लग रहा होगा ना कि मैं वो सारी बातें करूंगा जो अब तक करता आया हूं। मैं तो खुद पक गया है सारी बातें करते हुए। अब कोई बात नहीं करनी, सिर्फ इस आवाज को सुनिए। क्या ये जरूरी हो गया है कि इस आवाज के कुछ साल के बाद ये आवाज इसमें बदल जाए? इस बात पे अब शर्म आने लगी है। प्रियंका रेड्डी के रेप और मर्डर के 48 घंटे के बाद भी वो दरिंदे सांस ले रहे हैं और जिंदा हैं। और असल में हूं भी क्यों ना, क्योंकि अब आदत पड़ गई है। और मैं बिल्कुल सही बताऊं तो अब तो चीखों की आवाज भी नहीं आती। अब मुझे मालूम है ये वीडियो वो लोग नहीं देखते जिनके दिमाग ऐसे हैं, जो जानवर हैं, लेकिन वो लोग तो शायद देख लेंगे जो इनको सजा दिला सकते हैं। और आप अगर नहीं दिला सकते तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपके घर आने वाले वक्त में ये आवाज आएगी और उसके कुछ ही वक्त के बाद इस आवाज के लिए तैयार रहिएगा। अब फैसला आपका है कि इनको सजा दिलानी है या पूरी उम्र इस खौफ में जीना है।